हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ M25 का नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल तरीके से अगर हम उसका क्वांटिटी निकालेंगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का, तो कैसे निकालेंगे ये याद रखिएगा। आज मैं मिक्स डिजाइन नहीं बता रहा हूँ। मिक्स डिजाइन का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर डाला हुआ है पहले से। नॉमिनली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, M25 का। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस वॉल्यूम को कंसिडर मैंने किया है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर मैंने कॉन्क्रीट पकड़ा है और उसके अंदर में कितना सीमेंट है, कितना सैंड है, कितना एग्रीगेट है और वाटर कितना हमारा लगने वाला है, ये मैं आपको निकाल के आज बताऊंगा, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, मिक्स डिजाइन करोगे तो क्वांटिटी कम लगता है, ठीक है। ये नॉमिनल मिक्स डिजाइन है, इसमें ये नॉमिनल तरीके से मैं निकालने वाला हूँ, तो इसमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कंसीडर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट किया है 1 क्यूबिक मीटर। अच्छा, सपोज आप एक स्ट्रक्चर का ड्राइंग लेके बैठे हो, ठीक है, एक कॉलम है सपोज, मान लीजिए 600x600 का और वो 2400 का हाइट है, 2400, 2 मीटर 400 का। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना, तो आप क्या करोगे, 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। जब ये 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके आप जो वॉल्यूम निकालोगे वो होता है वेट वॉल्यूम, ऑलवेज होता है वेट वॉल्यूम, ठीक है। आपको उसे कन्वर्ट करना होगा ड्राई वॉल्यूम में, अगर आप मटेरियल निकाल रहे हो तो। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जो 1 क्यूबिक मीटर पकड़ा है वो वेट वॉल्यूम है, उसे मैं कन्वर्ट करूंगा ड्राई वॉल्यूम में, ताकि उस ड्राई वॉल्यूम के अंदर में हम मटेरियल को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैं ये M25 को बता रहा हूँ। तो M25 का ग्रेड क्या होता है, M25 जो ग्रेड है उसका जो रेशियो है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, वो कितना होता है, 1:1:2, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे है M25 और इसका रेशियो होता है 1:1:2। इसमें ये 2 क्या है, ये 1 क्या है और ये 1 क्या है, ये बता दूं। सबसे पहला वाला 1 जो है वो है हमारा सीमेंट का पार्ट, सीमेंट का रेशियो। ये 1 है मेरा सैंड, ठीक है, और ये 2 जो है ये है हमारा एग्रीगेट। इसमें आप 20 mm एग्रीगेट प्लस 10 mm एग्रीगेट मिला के कर सकते हो, 60-40 का परसेंटेज पकड़ लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, इतना क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, सॉरी वेट वॉल्यूम है, इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ड्राई वॉल्यूम में। ड्राई वॉल्यूम में आप जब भी कन्वर्ट करोगे ना, तो 54% आपको इंक्रीज कर देना होगा, किसका, वेट वॉल्यूम का। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगा, ये वेट वॉल्यूम तो रहेगा ही, साथ साथ में क्या होगा, 54% बढ़ जाएगा, किसका, इस वेट वॉल्यूम का। तो 54% ऑफ 1, ठीक है, इसे आप करोगे तो 1 प्लस 54 × 1/100, ठीक है। अब देखना, कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 1.54 क्यूबिक मीटर। तो हमारा जो मेन वॉल्यूम निकला वेट कंडीशन में, सॉरी ड्राई कंडीशन में, वो निकला 1.54 क्यूबिक मीटर। इसके अंदर में हम सब निकालेंगे, सीमेंट भी, सैंड भी, वाटर भी, हमारा वाटर भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सीमेंट की क्वांटिटी, और इस वीडियो का सबसे खास बात क्या है ना, मैं आपको जो सीमेंट अगर निकालना सिखा रहा हूँ, तो सीमेंट आपको केजी में भी निकालना सिखाऊंगा, सीमेंट आपको क्यूबिक मीटर में भी निकालना सिखाऊंगा, सीमेंट आपको बैग्स में भी निकालना सिखाऊंगा, सैंड भी सेम, सारे डायमेंशन में आपको, सारे यूनिट में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीमेंट के साथ, इसको मैं रब कर देता हूं। सीमेंट
सीमेंट सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला कितना निकला था वो लिख दीजिए, 1.54 इंटू, यहाँ पे आप डालिएगा सीमेंट का जो रेशियो था, सीमेंट का रेशियो कितना था 1, ठीक है। एक चीज में यहाँ पे निकाल के हम लोग को रख लेना होगा सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, कौन सा रेशियो, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। तो सीमेंट का कितना था 1, सैंड का 1 और एग्रीगेट का कितना था रेशियो 2, मिला के हो जाता है 4, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज काम आने वाला है। तो 1.54 इंटू 1 बाई यहाँ पे सम ऑफ रेशियो लोग डालेंगे वो कितना है 4। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा, मैंने यहाँ ऐसे करके रखा है, मैं वो डाल देता हूँ 0.385 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये मेरा क्यूबिक मीटर में निकल गया। अब हम केजी में निकालेंगे, तो केजी में निकाल लेते हैं। केजी में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा ना, ये सेम चीज अगर आप क्यूबिक मीटर को सीमेंट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका केजी में आ जाएगा। तो 1.54 इंटू 1.4 तो रहा ही, इंटू 1440, जब सब जानते हो सीमेंट का डेंसिटी है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 554.4 केजी। इतना केजी ऑफ सीमेंट लगेगा हमारा, 554.4 केजी सीमेंट लगेगा। इसे याद रख लो अच्छे से क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये चीज। अच्छा आप देखो, मैं ये नॉमिनल मिक्स कर रहा हूँ, नॉमिनल मिक्स में ये बहुत ज्यादा सीमेंट लग रहा है, इतना सीमेंट एक्चुअली हम साइड पे नहीं देते हैं, ठीक है। बहुत हार्डली होता है तो 9 बैग में हमारा, 8 बैग में हमारा हो जाता है अगर आप मिक्स डिजाइन करके करेंगे तो। बट नॉमिनली हम लोग देखो 11 बैग सीमेंट हमारा चला जा रहा है। जनरली साइड पे कोई भी M25 अगर करता है तो मिक्स डिजाइन करके करेगा, इतना बैग सीमेंट यूज नहीं करेगा, सीमेंट कॉस्टली है, ठीक है। तो केजी में हमारा निकल गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं बैग्स में, अगर सीमेंट को हम बैग्स में निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। हम सभी जानते हैं 50 केजी ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, एक बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है। एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना है 50 केजी, तो यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करेंगे। एक केजी में कितना आएगा 1/50 बैग्स ऑफ सीमेंट। तो हमारा देखिए केजी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना केजी 554.4 केजी। तो इसमें चेक कर लेते हैं कितना बैग आ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा 1/50 इंटू 554.4 बैग ऑफ सीमेंट। ये सब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 11.1 बैग्स, ठीक है। तो हम लोग का सीमेंट का बैग्स भी निकल गया, 11.1 बैग्स ऑफ सीमेंट लगने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीन यूनिट निकल गया क्यूबिक मीटर केजी बैग्स। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबिक फीट में, अगर आप सीएफटी में निकालोगे तो, सीएफटी मतलब क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट में अगर आपको निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इंटू 1.226, ठीक है। ये 1.226 क्या है, एक बैग सीमेंट का जो अगर आप क्यूबिक, एक बैग सीमेंट को अगर आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इतना वैल्यू आएगा 1.226 सीएफटी, ठीक है। तो सीएफटी में टोटल कन्वर्ट करना, नंबर ऑफ बैग्स कितना है आपका 11.1, तो 11.1 इंटू 1.226, इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 13.61 सीएफटी या क्यूबिक फीट, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सीमेंट का पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं सैंड की ओर। सैंड में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यूबिक मीटर में, ठीक है। क्यूबिक मीटर जैसे हम लोग
सैंड सीमेंट का निकाल लेते हैं, सेम वैसे ये निकलेगा। आपको डालना है ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड का अब रेशियो आ जाएगा, उस वक्त सीमेंट का रेशियो था, अब सैंड का रेशियो। सैंड का रेशियो कितना है? 1, ठीक है 1। और यहाँ नीचे आएगा टोटल सम ऑफ रेशियो मतलब 4, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपका 0.385 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं केजी में, हमें केजी में निकालना है सैंड का वैल्यू। तो मैंने आपको बोला ही क्यूबिक मीटर को अगर आप उसके डेंसिटी से मतलब जो मटेरियल आप निकाल रहे हो उसके अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका केजी में निकल जाएगा। तो 1.54 इंटू 1/4 तो आएगा ही, और सैंड का डेंसिटी कितना होता है? 1450। ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आएगा केजी में 558.25 केजी, ठीक है। एक नोट आप ले लो यहाँ पे, यूनिट वेट जो होता है सैंड का वो वेरी करता है 1450 से 1500 केजी पर एम क्यूब, ठीक है। 1450 से 1500 केजी पे वो वैरी करता है, 1550 भी बहुत जगह होता है। तो ये आपको निकाल, अगर केजी में आपको निकालना है तो सैंड का एग्जैक्ट आपको डेंसिटी पता होना होगा, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके निकालना होगा, ठीक है। तो केजी में ही पता चल गया। नेक्स्ट हम चलिए निकाल लेते हैं क्यूबिक फीट में मतलब सीएफटी में। तो सीएफटी में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ड्राई वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड 1, सम ऑफ रेशियो 4 इनटू 35.3147। मैं बताता हूं आपको क्या है। इतना पार्ट जो है ये आपका देखिए सेम यहां पे है मतलब क्यूबिक मीटर। आप एक कन्वर्शन जानते होंगे, 1 m³ इज इक्वल टू 35.3147 CFT क्यूबिक फीट, ठीक है। तो ये 1 m³ का है, अगर इसको हम लोग मतलब इतना कर देंगे तो ये क्यूबिक मीटर होगा। इसको अब कन्वर्ट करना है किसमें? क्यूबिक फीट में। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 35.3147, ये यूनिट फैक्टर, ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये आंसर आ जाएगा आपका सीएफटी में। तो सीएफटी में आंसर कितना आएगा? 13.6 सीएफटी। अगर ये आप भूल जाते हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर ये आप भूल जाते हो तो भी कोई बात नहीं है। एक और मैं ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। ऑल्टरनेटिव का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, इंटू 1.226 इंटू रेशियो ऑफ सैंड। ये सैंड निकाल रहे हैं हम लोग, तो रेशियो ऑफ सैंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स हमने कितना निकाला था? 11.1 इंटू 1.226 CFT, 1.226 इंटू रेशियो ऑफ सैंड कितना था? 1। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो देखना आएगा 13.6 CFT। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने निकाला 13.6 CFT आया, ऑल्टरनेटिव इस फॉर्मूले से निकाले तो भी 13.6 CFT आएगा। तो जिससे आप निकालना चाहो उसी से आप निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एग्रीगेट की ओर। तो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट का। सबसे पहले एग्रीगेट को हम क्यूबिक मीटर में निकाल लेते हैं, जैसे सब निकाले हैं सेम वैसे ही निकलेगा। ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना था? 2। सम ऑफ रेशियो कितना है? 4। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.77 क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्यूबिक मीटर में निकल गया, अब हम निकालेंगे केजी में। केजी में 1.54 इंटू 2/4 इतना तो रहेगा ही, इसको अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में निकल जाएगा। डेंसिटी मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ एग्रीगेट का 1500, ठीक है, 1500 केजी पर एम क्यूब। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1155 केजी, ठीक है, 1155 केजी। इसी में आपका
20 mm एग्रीगेट भी आप कंसिडर कर सकते हो और 10 mm मिला के भी कंसिडर कर सकते हो। 20 mm को 60% पकड़ लो और 40% पकड़ लो 10 mm को, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ, एग्रीगेट का जो यूनिट वेट है वो वेरी करता है 1450 से 1550 kg पर m³, ठीक है, ये याद रखना। मैंने कंसिडर किया इसके बीच का 1500। अब हम निकालेंगे क्यूबिक फीट में, क्यूबिक फीट मतलब CFT में, ठीक है। तो CFT में निकालने का क्या तरीका है, 1.54 × 2/4। ये मेरा किस में निकला, ये मेरा निकला है अभी क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है आपको किस में, CFT में। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया 1 m³ में होता है 35.3147 CFT, ठीक है। बस इसी से मल्टीप्लाई कर देना है 35.3147, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27.2 CFT। इसका भी मैं ऑल्टरनेटिव आपको करके दिखा देता हूँ कि आंसर सेम आता है या नहीं, ठीक है। सेम जो हम लोग सैंड में यूज किए थे वही करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इंटू 1.226 इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना था, 11.1 इंटू 1.226 इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट देखिए 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 27.2 CFT। देखिए ये और ये सेम आ गया, ठीक है, मतलब अब हम लोग यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, वाटर का क्वांटिटी निकालना। तो चलिए हम लोग वाटर को देख लेते हैं कैसे निकालना है। उसको निकालने के लिए हमें वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो एक कंसिडर करना होगा। आप 0.4 पकड़ रहे हो या 0.45 पकड़ रहे हो, मतलब स्लम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जो कंसिडर कर रहा हूँ वो 0.45 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसको पकड़ के मैं समझा देता हूँ। वाटर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो कंसीडर किया है कितना, वाटर सीमेंट रेशियो मैंने कंसीडर किया है 0.45, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ, मतलब वाटर बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.45/1, ठीक है। हमें निकालना है वाटर, सीमेंट का क्वांटिटी हम जानते हैं केजी में, वो बस पुट करेंगे। तो यहां से अगर हम वाटर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 0.45 इंटू सीमेंट का क्वांटिटी, सीमेंट इन केजी, ठीक है। तो 0.45 हम लोग एकदम स्टार्टिंग में सीमेंट केजी में निकाल लिए थे, वो कितना आया था 554.4 केजी। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखना आपका आंसर आएगा 249.48 केजी। मतलब इतना केजी वाटर हमें लगने वाला है, केजी इन द सेंस अगर इक्विवेलेंट कर दें तो 249.48 लीटर, इतना पानी हमारा लगने वाला है, ठीक है। इसे बहुत क्वांटिटी, सीमेंट का क्वांटिटी, वाटर, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा आ रहा है। ये हम मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नॉमिनल मिक्स डिजाइन है। मिक्स डिजाइन का वीडियो अगर आपको देखना है, इसी को अगर आपको मिक्स डिजाइन करके देख लेना है तो मिक्स डिजाइन वाला मेरे वीडियो देख लीजिए। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके मिक्स डिजाइन अच्छे से सीख पाओगे। मैंने छोटे से छोटे चीज हर एक चीज को कवर किया है। मिक्स डिजाइन का 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को देखना, एक तो SSD कंडीशन में है और दूसरा मॉइस्चर, अगर आपके सैंड में मॉइस्चर आ गया, एग्रीगेट में मॉइस्चर आ गया तो आप कैसे मिक्स डिजाइन करोगे, तो उसके लिए अलग वीडियो है, तो उसको भी देख लेना। दोनों वीडियो का मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है M25 का सारा कैलकुलेशन,
मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में, सबसे बड़ा बात समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को आप रिवाइंड करके एक कॉपी लेके बैठ जाओ और वहाँ पे फिर से करते करते जाओ। मैं 100% बोलता हूँ बच्चा भी समझ जाएगा जिसमें बताया हूँ, ठीक है। तो ये 25 बताया हूँ, 20 भी बताऊँगा, 15 बताऊँगा, 10 बताऊँगा, सब बताऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। अच्छा रुको रुको, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस ठीक है, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।